नमस्कार हिमाचल, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। जयराम ने कहा, 5 साल में केजरीवाल ने झूठे वादों के सिवाय कुछ नहीं किया। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मिले हिमाचल के कांग्रेस नेता। हिमाचल में संगठन से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। कुलदीप सिंह राठौर का तंज, सरकार की शह पर लोगों को लूट रही सीमेंट कंपनियां। पालमपुर में हुई सेना भर्ती का परिणाम घोषित, 1817 युवाओं का हुआ चयन। हिमाचल लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला, अब परीक्षाओं में लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। विशेष आवश्यकताओं वाले परीक्षार्थियों को पेपर हल करने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त देगा बोर्ड। करसोग के जवान को नम आंखों से दी अंतिम विदाई, डूबने से हुई थी मौत। लेक्चरर स्कूल न्यू के स्क्रीनिंग टेस्ट के शेड्यूल में बदलाव, अब 23 फरवरी को नहीं 31 मार्च को होगा इतिहास का पेपर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 5 वर्ष में कोरे आश्वासन व झूठे वादे ही किए हैं। मॉडल टाउन दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए जयराम ने कहा कि यही कारण है कि दिल्ली विकास की दृष्टि से पीछे रह गई। अब बीजेपी सरकार बनने पर दिल्ली का समग्र विकास होगा। इसके बाद सीएम जयराम ने दिल्ली के अंतर्गत रोशन आरा क्लब शक्ति नगर में भी चुनाव प्रचार किया। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष व श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर, ऊना के विधायक सतपाल रायजादा और पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। हिमाचल के संगठन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई और वेणुगोपाल को कई पहलुओं से अवगत करवाया गया। हालांकि कोई भी नेता ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वेणुगोपाल से क्या चर्चा हुई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि हिमाचल में ब्लॉक अध्यक्षों की तैनाती से संबंधित मुद्दा नेताओं ने उठाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में सीमेंट के मूल्यों में बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए कहा कि सीमेंट के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी से साफ है कि प्रदेश में इन कंपनियों के साथ सरकार की पूरी सांठगांठ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनने वाला सीमेंट बाहरी राज्यों में सस्ता और प्रदेश में महंगा होने का साफ मतलब है कि सरकार ने इन्हें प्रदेश को लूटने की खुली छूट दे रखी है। उनका कहना है कि प्रदेश में इसकी कीमत सरकार को निर्धारित करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आयोजित सेना भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 12 से 25 नवंबर 2019 तक हुई भर्ती में इस बार 1817 युवाओं का सेना भर्ती के लिए चयन हुआ है। सोल्जर जीडी भर्ती में 1798 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जबकि सोल्जर टीडीएन भर्ती में 19 उम्मीदवार चुने गए हैं। 18 फरवरी से मूल प्रमाण पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया आरंभ होगी। सोल्जर क्लर्क एसकेटी का अभी रिजल्ट आना बाकी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू की है। श्रमिक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी, ठेले वाले और सिरपीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूर, मनरेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर आदि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना से जुड़ने के लिए श्रमिकों को नजदीकी लोक मित्र केंद्र में आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी साथ लानी होगी, जहां पर मुफ्त में पंजीकरण होगा। योजना में शामिल होने के लिए मासिक आय 15,000 रुपए प्रति माह तथा आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। अंशधारकों से ली जाने वाली राशि के बराबर राशि सरकार भी जमा कराएगी। ये परिवार पेंशन होगी तथा अंशधारक की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को 50% पेंशन मिलेगी। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जनहित में जारी। परीक्षा भर्ती फर्जीवाड़े की किसी भी प्रकार की गुंजाइश को कम करते हुए हिमाचल लोक सेवा आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। आयोग अब परीक्षाओं में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएगा। पहले चरण में लगाई बायोमेट्रिक हाजिरी का आगामी चरणों में मिलान किया जाएगा। इसकी शुरुआत 9 फरवरी को होने वाले एलाइट की परीक्षा से होगी। एलाइट की परीक्षा 11 बजे से 2 बजे तक प्रदेश में स्थापित 170 परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के नियमित तथा राज्य मुक्त विद्यालय SOS के विशेष आवश्यकताओं वाले
छात्रों की वार्षिक परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। वहीं छात्रों को पेपर हल करने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेंगी। डेट शीट जारी करते हुए शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं के नियमित तथा राज्य मुक्त विद्यालय SOS के विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की वार्षिक परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के रहने वाले सेना के एक 23 वर्षीय जवान की मृत्यु से जिला में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद जवान राजीव शर्मा का उनके पैतृक गांव कुन्नू करसोग में गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों ने होनहार सपूत को नम आंखों से विदाई दी। राजीव शर्मा घातक कमांडो प्रशिक्षण पंजाब के पठानकोट समीप रणजीत सागर बांध में तैराकी से जुड़े हुए थे। वह उसी प्रशिक्षण के दौरान उनकी मौत हो गई थी। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर स्कूल न्यू क्लास 3 अराजपत्रित के स्क्रीनिंग टेस्ट के शेड्यूल में बदलाव किया है। लेक्चरर स्कूल न्यू इतिहास का स्क्रीनिंग टेस्ट 23 फरवरी की जगह अब 22 मार्च को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। बाकी विषयों में टेस्ट की तिथियां पहले जैसी ही रहेंगी। ये पद अनुबंध आधार पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भरे जाने हैं। परीक्षा प्रदेश के 3 जिलों में बनाए परीक्षा केंद्रों में होगी। इनके लिए शिमला, मंडी और धर्मशाला में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।